हिस्ट्री है, तीन हिस्ट्री में बांटा गया है। पहला है एंशियन हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है, या इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ इस चैप्टर में भी हमको एक बेसिकली आइडिया दिया गया कि एंशियन हिस्ट्री में कैसा स्टोरी कैसा था, मतलब क्या वो थिंकिंग करते थे, किस प्रकार से वो लिखते थे हिस्ट्री, या क्या लिखते थे बेसिक, और क्या लिखते थे एंशियन हिस्ट्री में, जो माइथोलॉजी का स्टोरीज है, मतलब ऐसा हुआ होगा, मतलब आइडियोलॉजी का जो है ना, मतलब इमेजिनेटिव थिंकिंग, मतलब ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, भगवान हुए होंगे, इस तरह से जो लिखते थे या जिस प्रकार से मतलब हिस्ट्री पढ़ती थी, मतलब लिखते थे, उसे एंशियन हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद मेडिवल हिस्टोरियोग्राफी है, बाद में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है। इसका मैं डिटेल में अगले क्लास में मैं बताऊंगा। आज हम जो पेज नंबर 10 पर है, देखो 2.2 में इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, मतलब किस तरह से अलग अलग प्रकार के आइडियोलॉजीज हो चुके हैं इंडिया में, उसका पहला जो पार्ट है या पहला जो टॉपिक है वो है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, उस दिन बताया था शॉर्ट में, दूसरों ने ब्रिटिशों ने लिखी अपने बारे में लिखी हुई हिस्ट्री, हाँ दैट इज द ओरिएंटल हिस्ट्री। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश आने के बाद जो ब्रिटिश टाइम था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल, मतलब टेक द ईयर की 1851 57 में आ चुके हैं, 1857 में हो या 1800 में आ चुके हैं ब्रिटिशर्स या कोई यूरोपियन कंट्रीज के लोग, तो वो आने के बाद जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, वो आने के बाद जो हिस्ट्री लिखा जाता है या उस टाइम पर जो हिस्ट्री लिखते हैं उसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। और यहाँ पर मोस्टली लिखने वाले कौन है बताया गया, एक तो ऑफिसर्स या मतलब जो चर्च में जो ये रहते ना लोग रहते वहाँ मिशनरीज रहते फादर वगैरह, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो ये इन दोनों ने जो हिस्ट्री लिखी है ना वो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट में है, मतलब प्रिजुडाइज है, मतलब उन्होंने क्या किया है इंडियन कल्चर को या हमारे सोसाइटी को एकदम नीचा दिखाया है और अपने सोसाइटी को या अपने कल्चर को उन्होंने थोड़ा हायर पोजिशन दिया है, मतलब लिखते वक्त इस तरह से लिखा है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वॉज मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, देयर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन देयर राइटिंग, मतलब उन्होंने इस तरह से लिखा है कि आप जब पढ़ोगे ना मतलब जो भी बुक्स लिखे उन्होंने तब क्लियरली उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन कल्चर को ऐसे क्या कहते हैं हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है, ठीक है, या इंडियन सोसाइटी कैसे खराब थी, कैसे वो क्या 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 प्रॉब्लम्स थे उन्होंने वही बताया होगा, इसके उसको प्रेजुडाइज कहा गया है। और उसके बाद उन्होंने और बोला कि देयर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रेडिकुल्ड इंडियन कल्चर, रेडिकुल का मीनिंग क्या होता है कि उन्होंने एक प्रकार से चेष्टा की या सीढ़ी रूप बना बताया गया है इंडियन हिस्ट्री में, मूर्ति पागल की ऐसे उन्होंने बताया है। Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India, underline it, published during 1922 to 1937 Common Era, are distinct examples of the colonial historiography. कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का अगर क्वेश्चन दिया गया कि कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को डिफाइन करने वाला बताने वाला कौन सा वॉल्यूम है, उसका नाम राइट द नेम ऑफ द वॉल्यूम्स दैट डिफाइंस द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, द नेम ऑफ द वॉल्यूम इज कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लिखा गया था। और उसमें कैसे कॉलोनियल रूल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ और ब्रिटिशों की मतलब ब्रिटिश पावर या यूरोपियन पावर कैसा अच्छा है एज कंपेरिजन टू द इंडियन, ठीक है, इज ऑल अबाउट द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, बराबर है। अभी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का पहली जो लाइन है ना वहां पर यही बताया गया है कि जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आ चुके हैं, जितने भी यूरोपियन ईस्टवर्ड मतलब हमारा एरिया, ठीक है, हमारे एरिया में जितने भी यूरोपियंस आए हैं उन्होंने रेस्पेक्टफुली और एक वर्ड है सिविलाइजेशन, एडमिरेशन, मतलब एडमिरेशन मतलब ये कुछ भी अच्छा है, बराबर ना, मतलब अगर तुमने अच्छा काम किया तो बोलो ना अच्छा किया, शाबाश देना, शाबाश देना, उस प्रकार से उन्होंने यूरोपियंस ने हमारी हिस्ट्री को एडमिरेशन किया, एडमिरेशन मतलब एक प्रकार से अच्छा है ये, ठीक है, और रिस्पेक्ट। अभी जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के कंपैरिजन में ओरिएंटलिस्ट क्या होंगे, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर कैसे
अच्छे होंगे, मतलब वो उन्होंने इंडिया को भी रिस्पेक्ट दिया है या इंडिया की बहावा उन्होंने अच्छा अच्छाई मतलब अच्छाई अच्छे गाने गए, इस तरह से इन लोगों को क्या कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर कहा जाता है। ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि व्हाट इज मीन बाय ओरिएंटलिस्ट, तो सम ऑफ दोस स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, मतलब हमारे ये उन्होंने रिस्पेक्ट उनके पास रिस्पेक्ट की या वो एडमिरेशन उनको करते थे, दैट इज व्हाई दिस स्कॉलर आर नोन एज द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, इनको ओरिएंटलिस्ट क्यों कहा जाता है या ये अच्छे क्यों थे मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने सिमिलैरिटीज ढूंढी। पहला पॉइंट क्या है कि उन्होंने सिमिलैरिटीज मतलब सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, समानता हमारे इंडियन कल्चर में और उन्हीं वेस्टर्न कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या समानता है, वो उन्होंने ढूंढी। इसके बाद दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर लैंग्वेज, कि उन्होंने वैदिक लिटरेचर या वैदिक क्या ट्रेडिशन के ऊपर और संस्कृत लिटरेचर लिटरेचर के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। दैट वाज द सेकंड। थर्ड, their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages, मतलब जितने भी इंडिया में और यूरोप में जितने भी लैंग्वेजेस बोली जाती है उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से एक कॉमन लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की या कॉमन एक प्रकार से थ्रेड कौन सा होगा, थ्रेड मतलब धागा, कॉमन थ्रेड कौन सा होगा जो इंडिया और यूरोपियन को क्या करेगा ज्वाइन करेगा। ये मतलब इन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने इंडियन कल्चर के ऊपर या इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया, वैदिक ट्रेडिशन को ट्रेडिशन के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, लिटरेचर समझा हमारा, उसके बाद जो एक प्रकार से कॉमन एक रहेगा वो उन्होंने फाइंड किया।